गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ। अभी हम थर्ड चैप्टर कल प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर गिल्ली डंडा। और आपको इसमें हमने बताया था कि किस तरीके से गया और जो उसका फ्रेंड थे वो दोनों गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उसमें फिर आपस में लड़ाई हो जाती, फिर बहुत साल वो फिर वहाँ से चला जाता, ट्रांसफ़र हो जाता उसके फादर का, और दूसरी जगह वो फिर इंजीनियर बन जाकर वापस उसी गाँव में आता। फिर उसकी जो मेमोरीज़ होती हैं वो याद करता और उस अपने फ्रेंड को देखता है कि जो गिल्ली डंडा उसके साथ बचपन में खेलता था, फिर वो उससे पता पूछ के मिलता है और उससे फिर से वापस एक बार खेलने के लिए कहता है। तो यहाँ पर गया एग्रीड टू प्ले वेरी रिलेक्टेंटली। गया मतलब तैयार हो जाता है खेलने के लिए, लेकिन बहुत ही बिना मन के, बिना इच्छा के वो फिर से खेलने के लिए तैयार हो जाता है। ही वॉज अ लेबरर ऑन डेली वेजेस, आई वॉज अ सीनियर ऑफिसर, वॉट डिड द टू ऑफ अस हैव इन कॉमन। वो मतलब कि वो था लेबर, मजदूरी करता था डेली वेजेस, मतलब रोज के वेजेस पे, मजदूरी पे, और मैं एक सीनियर ऑफिसर था। तो हम दोनों में क्या कॉमन था, वॉट डिड द टू ऑफ अस, दोनों में क्या कॉमन था। आई टुक गया बैक विद मी टू द डाक बंगलो एंड देन वी बोथ ड्रोव इन माई कार टू द स्पॉट वेयर वी वर गोइंग टू प्ले। हम मेरे साथ गया मेरे पीछे पीछे डाक बंगलो तक आया, फिर हम दोनों कार से ड्राइव करके उस जगह पर स्पॉट पर पहुँचे जहाँ पर वो पहले गेम खेल रहे थे। वी ऑल्सो टुक एन एक्स विद अस, मैंने अपने साथ एक्स भी ले लिया था, कुल्हाड़ी, ताकि वहाँ पर जैसे नहीं गिल्ली के लिए जगह खोद कर बनाने के लिए। डिस्पाइट माई इनर एक्साइटमेंट, इसके बावजूद कि मेरे जो अंदर की उत्सुकता थी, आई मैनेज टू टुक वेरी कंपोज, लेकिन तभी भी मैंने बहुत मैनेज किया उसको शांत करने के लिए। गया फेस शोड नो साइन ऑफ आइदर ईगरनेस और प्लेजर, गया का जो फेस था, चेहरा था, बिल्कुल भी उस पर कोई चिन्ह निशान मतलब दिख नहीं रहा था कुछ भी साइन, यहाँ तक कि उसकी ना उत्सुकता की और ना ही कोई खुशी की। Perhaps his mind was too upset by the difference in our status. बल्कि उस शायद उसका जो दिमाग था वो ज़्यादा ही उसके ऊपर बोझ था उनके जो आपस में दोनों के स्टेटस के डिफरेंस को लेकर। Did you ever think me all these years? I asked, be truthful, गया। उसने कहा कि कभी भी इन सालों में तुमने मुझे मेरे बारे में सोचा, मैंने उससे पूछा। उसने बी ट्रूथफुल मतलब गया से कहा कि मतलब एकदम सच सच बताना। How could I presume to think of you, सरकार, he said awkwardly. उसने अजीब से जवाब दिया कि मैं कैसे साहस कर सकता हूँ आपके बारे में सोचकर सरकार। But I thought of you quite often, I said a little sadly. उसने मैंने कहा कि लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में अक्सर ज़्यादा मतलब कभी कभार अक्सर सोच लेता था, often try मतलब। I a little sadly, उसने थोड़ा सा दुखी होकर, I still remember that blow You gave me with your danda. और उसने कहा कि मैं बहुत ही उदास होकर ये सोचता हूँ कि मुझे याद था कि जब मैंने उसे चोट दी थी डंडे से। Gave with me your danda, तुम्हारे डंडे से जो चोट लगी थी। That was long ago, सरकार उसने कहा कि ये बहुत लंबा समय पहले की बात है। Please do not remind me of it, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो याद मत दिलाई मुझे। गया looked very sorry, गया को बहुत सॉरी उदास सा हो रहा था। वाह, आई सेड वाई नॉट, उसने कहा वाह क्यों नहीं। दैट मेमोरी रिमेन्स द स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, उसने कहा ये जो यादें हैं वो बहुत ही मीठी यादें हैं मेरे बचपन की जो मेरे दिमाग में हैं अभी तक। वी वर नाउ अबाउट 3 miles अवे फ्रॉम द टाउन, अब हम 3 मील दूर अपने शहर से थे। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ बहुत शांत और क्वाइट था, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण था। द स्काई वॉज लिट बाई द रेज ऑफ द इवनिंग सन, जो आसमान में हल्की हल्की रेज किरणें शाम के जो सूरज की होती हैं वो थी। आई रैपिडली क्लाइम्ब अ ट्री एंड कट अ ब्रांच टू मेक द गिल्ली एंड द डंडा, और मैंने तेजी के साथ पेड़ पर चढ़ा और वहाँ से एक ब्रांच जो डाली काट कर गिल्ली और डंडा बनाने के लिए ले आया। देन वी बिगेन प्लेइंग, और फिर हमने खेलना शुरू कर दिया। आई हिट द गिल्ली, मैंने हिट की गिल्ली को, मेकिंग इट लीप अप इन द एयर, और वो उछल कर हवा में तेजी से आई। गया ट्राइड टू कैच इट बट इट फेल बिहाइंड हिम, गया ने कोशिश की उसे पकड़ने की लेकिन वो उसके पीछे ही जाकर गिर गया। ही सीम टू हैव लॉस्ट हिज ओल्ड डेक्सटर्टी, ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अपनी जो जितनी भी क्षमता थी, उसकी पहले की जितनी भी फुर्तीलापन था, वो सब कुछ खो दिया है। नो गिल्ली हैड इवन escaped गया when we were children, और कोई भी ऐसी गिल्ली नहीं होती थी जो उससे गया से बचकर जा सके जब वो बचपन में वो खेलते थे।
आई स्टार्टेड बैटिंग, मैंने शुरू किया बैटिंग करना। आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस बट आई मेड अप फॉर माई लैक ऑफ स्किल बाई चीटिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी। मैं मतलब मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी बट मेरी मतलब ये थी कमजोरी थी कि मैं अपनी जो स्किल क्षमता को यूज़ नहीं करके चीटिंग हर समय अवसर मौका ढूंढता रहता था कि कोई चीटिंग करने की। गया वॉच विदाउट सेइंग अ वर्ड, लेकिन गया देख रहा था बिना कुछ कहे एक भी शब्द। हाउ एक्यूरेट हिज एम यूज टू बी इन द ओल्ड एज, वो कितना सही था उसका लक्ष्य जब वो कि पुराने समय में जब था। हिज गिल्ली हैड नेवर फेल टू हिट द डंडा, उसकी जो गिल्ली थी कभी भी फेल नहीं होती थी, मैं डंडे से जब हिट करता था तो हमेशा सही से निशाना लगता था। नाउ इट मिस द डंडा एवरी टाइम, और इस बार उसका जो मिस कई बार हो रहा था, मतलब बार बार एवरी टाइम हर बार उसके गिल्ली मिस हो जा रही थी और सही से नहीं मार पा रहा था। आफ्टर आई हैड बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, मैं मतलब आधा घंटा जब मैंने बैटिंग करने के बाद, द गिल्ली डिड हिट द डंडा वंस, तब गिल्ली जो है एक बार डंडे से हिट हुई। बट रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द फैक्ट, लेकिन जो ये एक्नॉलेज जो ज्ञान था जो उसका, वो तो फैक्ट था, सच था कि नहीं, मतलब उस इनकार कर दिया जो उसका एक्नॉलेज था। सरप्राइजिंगली गया डिड नॉट आर्ग्यू, तभी भी जो गया था उसने कोई भी, आश्चर्यचकित की बात थी ये कि वो कोई भी आर्ग्यू नहीं किया। वो उसका गिल्ली हिट किया डंडा को एक बार, लेकिन उसने मना कर दिया कि ये सही नहीं है। तो उसने मतलब आश्चर्यचकित की ये बात थी कि गया ने कुछ भी आर्ग्यूमेंट बहस नहीं की। हैड वी बीन चिल्ड्रन, जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे, गया वुड हैव क्लाइम्ड ऑन माई बैक बाई नाउ एंड नेवर अलाउड मी टू गेट अवे विथ सच डिकेट। मतलब कि जब बच्चे थे हम लोग तो गया जो है अक्सर जब ऐसा कुछ होता था तो वो मेरे पीछे चढ़ जाता था और कभी भी मुझे इस बात की अलाउड नहीं करता था, परमिट नहीं करता था कि वो ये जो चालाकी है वो करने दे। बट नाउ इट वॉज द ईजिएस्ट थिंग टू मेक अ फूल ऑफ हिम, लेकिन इस समय बहुत ही आसान था उसको बेवकूफ़ बनाना। ही हैड फॉरगेटन एवरीथिंग, वो सब कुछ पहले का भूल गया था। आफ्टर अ मिनट द गिल्ली हिट द डंडा अगेन एंड दिस टाइम एज लाउडली एंड अनमिस्टेकेबली एज अ पिस्टल शॉट। कुछ मिनट बाद ही गिल्ली ने हिट हुई डंडे से अगेन दोबारा, एंड दिस टाइम, और इस समय बहुत ज़ोर से, अनमिस्टेकली मतलब अचानक से, पिस्टल शॉट, पिस्टल मतलब जैसे अचानक से पिस्टल से फूट पड़ता है ना वैसे ही बोला। गया डिक्लेयर जॉयफुली, गया ने ये घोषित डिक्लेयर कर दिया खुशी खुशी कि इट ये हिट हो गया, लग गया। डिड इट आई सेड, उसने कहा क्या हो गया सही में। प्रिटेंडिंग टू लुक वेरी पजल्ड, उसने मतलब बहुत ही पजल्ड कन्फ्यूज होकर ऐसा शो किया कि बहुत ही कन्फ्यूज है, उसे कुछ पता नहीं। आई डिडेंट सी इट हिट, उसने कहा मैंने नहीं देखा कि ये हिट हो गया। बट इट मेड अ लाउड नॉइज, लेकिन वो जोर से बोल रहा था कि हो गया। गया प्रोटेस्टेड, गया ने विरोध किया। परहैप्स इट हिट अ ब्रिक आई सेड, उसने कहा शायद ईंटे पे लगा होगा मैंने कहा। इवन आई वॉज अमेज एट द एक्सटेंट ऑफ माई टेम्परिंग विद द ट्रूथ, मैं यहाँ तक के जो है मैं ये अमेज था, कन्फ्यूज था कि जो मैं मेरा टेम्पर है गुस्सा है विद द ट्रूथ, मतलब सच के साथ होना चाहिए, लेकिन नहीं था। बोथ गया एंड आई हैड सीन एज वेल एज आई हैड द गिल्ली हिटिंग द डंडा, और गया और मैंने दोनों ने देखा था अच्छे से और सुना भी था कि गिल्ली जो है डंडे से हिट हुई थी। बट ही एक्सेप्टेड माई प्रिस्पोस्टियर सजेशन अबाउट द ब्रेक, लेकिन उसने ये मान लिया जो मैंने बोला था, बिना मतलब ऐसे नहीं कहा था, कनिंगनेस चालाकी दिखाता था, उसके सलाह को मान लिया कि हाँ ब्रिक से ही लगा होगा, ईंटे से ही लगा होगा, उस पर गिल्ली पे हिट नहीं हुआ। आई बिगेन बैटिंग अगेन, फिर से मैंने बैटिंग शुरू कर दी। बट नाउ, लेकिन अब आई वॉज फीलिंग सॉरी फॉर गया, मुझे बहुत दुख हो रहा था गया के लिए। द सिंपल्टन सो वैन ही हिट द डंडा फॉर थर्ड टाइम आई ग्रेसली अलाउड हिम टू बैट, तब उसे ये गया का जो है फूल, उसको बेवकूफ़ बनाना उससे दुख हो रहा था कि उसने उस फिर से उसको एक बार बेवकूफ़ बनाया। सो वैन ही हिट द डंडा, और जब वो डंडे को हिट कर रहा था डंडे से तीसरी बार, तब उसने बोला, उसको अलाउ कर दिया कि तुम्हारे मतलब अब बैट उसको दे दिया था। आई ग्रेसली अलाउड हिम टू बैट, उसने कहा कि मैं तुम्हें बैटिंग करने के लिए अलाउड करता हूँ। शुड वी नॉट कंटिन्यू द गेम टुमारो, आज गया ने कहा कि क्या हमें
कल नहीं गेम को खेलना चाहिए कंटिन्यू दोबारा से, फिर इट्स गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो चुका था. नो नो आई सेड नॉट वॉन्टिंग टू गिव हिम चांस टू प्ले अ गुड. उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अच्छा खेलने का मौका दूँ, अवसर दूँ. लॉन्ग इनिंग्स द फॉलोइंग डे, और लंबी इनिंग्स पूरे दिन चलेगी. गया स्टार्टेड बैटिंग बट वेरी पुअरली. गया ने शुरू की बैटिंग करना पर बहुत ही खराब कर रहा था. इन अ फ्यू मिनट्स ही वॉज, और कुछ ही मिनट में वो आउट हो गए. यू कैन बैट अगेन इफ़ यू लाइक, उसने कहा तुम दोबारा से बैटिंग कर सकते हो या तुम पसंद करो. आई सेड जनरसली, मैंने बहुत ही जनरसली मतलब बहुत ही उदारता के साथ कहा. नो ही सेड इट्स रियली गेटिंग डार्क नाउ, उसने कहा नहीं अब सचमुच में अंधेरा हो गया है. तो नहीं, वी ड्रोव बैक टू द टाउन एज डार्कनेस फेल एंड लैम्प्स वर बीइंग लिट. हम वापस गाड़ी चलाकर ड्राइव करके वापस टाउन में आए जहाँ पर बहुत ही अंधेरा हो चुका था. लैम्प्स जो हैं वो लाइटें जल चुकी थी. बिफोर लीविंग मी गया सेट, गया के मतलब जब जाने लगा मुझे छोड़कर, तो उसने कहा देयर विल बी अ गिल्ली डंडा मैच हेयर टुमारो, यहाँ पर एक गिल्ली डंडा का मैच है कल. ऑल द ओल्ड प्लेयर्स विल प्ले, जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं वो खेलेंगे. विल यू कम, क्या तुम आओगे. फिक्स द टाइम एंड आई विल टेल द अदर, सही से फिक्स जो टाइम होगा मैं तुम्हें दूसरों के द्वारा बता दूंगा. आई टोल्ड हिम टू ऑर्गेनाइज द मैच अर्ली इन द इवनिंग एंड वेंट टू सी इट द फॉलोइंग डे. मैंने उसे बताया कि ये मैच ऑर्गेनाइज सुबह अर्ली इन द इवनिंग मतलब जल्दी शाम को शुरू होगा, और उसे देखने के लिए फॉलोइंग डेज मतलब लोग आएंगे. इट वॉज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 20 प्लेयर्स, ये लगभग 20 लोगों खिलाड़ियों का मैं गेम होगा. एंड इंक्लूडेड सेवरल ऑफ माई ओल्ड क्लासमेट्स, और इसमें बहुत सारे पुराने साथी भी होंगे. द रेस्ट वर यंग मैन, जो बाकी जो बचेंगे वो कुछ यंग मैन हैं जो अभी नौजवान लोग हैं खेलने वाले. होम आई डिड नॉट, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ. द गेम बिगेन, गेम शुरू हुआ. आई वॉच्ड, मैंने देखा मतलब देखना शुरू किया. सिटिंग इन माई कार, मैं अपने कार में बैठा हुआ देख रहा था. गया परफॉर्मेंस दैट डेज अब अस्टाउंडेड मी, गया कि उस दिन की जो परफॉर्मेंस थी जो उसने मुझे स्तब्ध कर दिया. वॉट स्किल, क्या क्षमता है उसकी. वॉट ग्रेस, क्या मतलब ग्रेस है उसके अंदर. हाउ इज चाइल्डहुड टैलेंट हैड मैट्योर्ड, और किस तरीके से उसका जो बचपन का टैलेंट था वो इस समय दिख रहा था. ऑल इज ऑकवर्डनेस ऑफ द प्रीवियस डे हैड डिसअपेयर्ड, जो उसकी पिछले दिन जो उसके साथ पहले खेला था उसकी जो ऑकवर्डनेस थी, जो उसको अटपटा सा लग रहा था खेलने में उस समय, वो सब गायब हो गया था. सीइंग दैट देन वे ही सेंड द गिल्ली फ्लाइंग थ्रू द एयर लाइक एन एरो, उसमें देख रहा था कि वो किस तरीके से गिल्ली को उड़ाकर जैसे कि हवा में एरो तीर चला रहा हो. आई रियलाइज दैट हैड ही प्लेड विद मी सो एक्सपर्टली द डे बिफोर, उसने रियलाइज़ किया महसूस किया कि वो उस दिन भी बहुत अच्छे से मेरे साथ एक्सपर्टली खेला था. आई वुड डेफिनेटली हैव बीन रिड्यूस्ड टू टीयर्स, और मैं मतलब कि डेफिनेटली मतलब अपने जो आंसू हैं उसके अपने कम कर सकता हूँ, मतलब मैं रिड्यूस कम कर सकता हूँ उसकी जो मतलब दुखी था, जो पुअर था बहुत ज़्यादा, तो शायद मैं सचमुच में उसके कुछ आंसू पोंछ सकता हूँ, ऐसा वो सोच रहा था. टर्न करेंगे पेज को. ड्यूरिंग द गेम वन ऑफ द यंग मैन ट्राइड टू बी अ लिटिल हाई हैंडेड, उसी गेम के दौरान एक यंग मैन जो कोशिश कर रहा था, लिटिल हाई हैंडेड माने जो टैक्टलेस मतलब कि छोटे छोटे हाथों से टैक्टलेस एंड इनकंसिडरेट मतलब कि हाई हैंडेड कर रहा था, छोटे हाथों से जो टेक्निक थी उसको मतलब नहीं कर रहा था. देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन हिम एंड गया, तब उन दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट हो गया, मतलब वो सही से नहीं खेल रहा था, जो उसकी टेक्निक थी जो सही प्रोसेस था उसकी द्वारा नहीं खेल रहा था, इस वजह से दोनों में बहस हो गई गया में. बट सच वॉज गयाज एंगर एंड अथॉरिटी दैट द यूथ हैड टू रिट्रैक्ट हिज वर्ड्स, लेकिन जो सच में गया का जो गुस्सा था और जो उसकी अथॉरिटी थी, जो उसको अथॉरिटी मिली थी उसकी वजह से जो यूथ जो उस समय के जो यंग लोग थे वो रिट्रैक्ट कर रहे थे, टेक बैक वापस अपने शब्दों को कर लिया, क्योंकि वो गया जो एक सीनियर भी था गुस्से में था और मतलब मैच्योर था, इस वजह से उन लोगों ने कुछ कहा नहीं और अपने शब्दों को वापस ले लिया जो कहा था, कहा सुनी आर्ग्यूमेंट्स हो गया था. नाउ आई न्यू द गया हैड नॉट प्लेड विद मी द डे बिफोर, अब मैं जान गया था कि गया कभी मेरे साथ उस दिन के बाद के पहले कभी नहीं खेला था. ही हैड ओनली प्रिटेंडेड टू प्ले, केवल वो मुझे दिखावा करता था खेलने का. आई चीटेड बट ही शोड नो एंगर, मैं उसके साथ चीटिंग करता था पर कभी उसने गुस्सा नहीं दिखा. दैट वॉज बिकॉज ही वॉज इंडल्जिंग मी लाइक यू इंडल्ज अ चाइल्ड, क्योंकि वो हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह बच्चे के रूप में इंडल्ज करता था,
मानता था, अलाउइंग मी टू, और हमेशा मुझे, जैसे नहीं मैम छोटे बच्चे हमारे साथ खेलते हैं, हम बड़े होते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बच्चे चीटिंग भी कर लेते हैं और फिर कहते हैं नहीं नहीं हम यहाँ आउट हुए, तो हम उनको गेम खेलने को अलाउ कर देते हैं और जीत जाते हैं तो जीतने को भी दे देते हैं, चलो चलो ठीक है तुम जीत गए, और वो उससे खुश हो जाते। आई वॉज एन ऑफिसर, अब मैं एक ऑफिसर था, ही वॉज अ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी था, दिस फैक्ट स्टूड बिटवीन अस लाइक अ वॉल, और ये सच जो है हम दोनों के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा था। नाउ आई कुड गेट इंडल्जेंस फ्रॉम हिम, पोलाइटनेस फ्रॉम हिम, बट नॉट कॉमरेडशिप, कॉमरेडशिप। अब जो है मतलब इंडल्ज नहीं कर रहा था अपने आप से, उसकी जो पोलाइटनेस थी, उसकी विनम्रता थी, उसको नहीं कर रहा था अब फ्रॉम हिम, उसकी जो पोलाइटनेस थी उसको इंडल्ज नहीं कर रहा था अपने से, क्योंकि वो एक कॉमरेडशिप था, मतलब कि उसका जो एक दूसरे नेचर था और इसका दूसरा नेचर था, जो उसकी पोलाइटनेस विनम्रता थी उसको समझ में आ गया था राइटर को जो थे। और फिर एज चिल्ड्रन वी वर इक्वल्स, बचपन में हम दोनों बराबर थे, लेकिन आज के समय में क्या था कि वो एक ऊंची पोस्ट पे था और दूसरा पुअर था, बट नाउ आई वॉज नो मैच फॉर हिम, लेकिन आज के समय में हम दोनों का कोई मैच नहीं था, ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, केवल एक जो था पिटी, जो दया, जो गया हैड ग्रोन बिगर, लेकिन तभी भी गया बहुत बड़ा मतलब उससे था, आई हैड बिकेम स्मॉलर, मैं बहुत छोटा था, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जब बचपन में भी वो चीटिंग करता था तो गया इतना ब्रिलियंट प्लेयर था कि वो फिर भी उसे माफ़ कर देता था, उसकी चीटिंग को नज़रअंदाज कर देता था और उसे जीतने देता था। ये आज उसके समझ में आ गया जब उसने उसको गेम वापस गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा, तो कि वो उससे कितना मतलब बड़ा है और वो कितना उसके आगे छोटा है, जबकि पोस्ट और उसके जो स्टेटस है उसके हिसाब से वो आज ऑफिसर था और वो एक पुअर लेबर था, फिर भी उसे ऐसा लगा लास्ट में। तो ये स्टोरी प्रेमचंद के द्वारा अडॉप्ट की गई है, या आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, इसको आप पढ़िएगा और समझिएगा, इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइजेस और वर्ड मीनिंग है वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।